नमस्कार, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा इनर वॉइस पे, इनर वॉइस से। जी हाँ, इनर वॉइस। इनर वॉइस यानी एक ऐसी आवाज जो आपके अंदर से आती है, एक ऐसी आवाज जो आपकी अपनी होती है। शेक्सपियर की आवाज नहीं, कोई अल्बर्ट आइंस्टीन की आवाज नहीं, एक ऐसी आवाज जो आपके अंदर से आती है, आपकी खुद की आवाज होती है, इनर वॉइस। अब जो लोग अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनते, या जो लोग अपनी इनर वॉइस को, अंदर की आवाज को दबाना शुरू कर देते हैं, उन लोगों में स्ट्रेस का लेवल, तनाव का लेवल बढ़ने लगता है। और जब आप अपने अंदर की आवाज को यानी अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, तो आपके जीवन में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं, आपकी पूरी लाइफ हैप्पीनेस से भर जाती है। अब मुझसे लोग पूछते हैं कि सर, आखिर इस इनर वॉइस को, अंदर की आवाज को कैसे सुने? नहीं सुन सकते आप अपने अंदर की आवाज को, नहीं सुन सकते इनर वॉइस को, नहीं सुन सकते। उसका रीजन है आपका इनर नॉइस, अंदर का शोर। आपके अंदर एक शोर है। किस चीज का शोर? आपके अपने बेतुके बेवजह विचारों का शोर, जिनका आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं है, ऐसे विचारों का शोर। कुछ विचार आपके पास से आते हैं, कुछ विचार आपके फ्यूचर से आते हैं, और आपके दिमाग में एक शोर मचा रहता है, यानी इनर नॉइस। अब इस इनर नॉइस में आप इनर वॉइस को नहीं सुन सकते। जब तक ये इनर नॉइस खत्म नहीं होगा, तब तक इनर वॉइस नहीं सुनी जा सकती। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। आप पानी की एक बकेट लीजिए, उसमें पानी भरिए और जोर से उसमें हाथ मारना शुरू कीजिए, स्प्लैश कीजिए। जब आप पानी में हाथ मारेंगे तो पानी में उथल पुथल मच जाएगी। अब आप उस पानी से अपना हाथ निकाल लीजिए, कुछ देर बाद पानी अपने आप ही शांत हो जाएगा। क्या आपने पानी को पकड़ के शांत किया? कुछ आपने किया, आपने जो कर रहे थे आपने उसको रोक दिया। आप सिर्फ शांत हो गए, पानी भी शांत हो गया। पानी जैसा था अपनी नेचुरल स्टेट में पहुंच गया। कुछ ऐसा ही हमारे विचारों के साथ भी है। हमने खुद को उन विचारों में डाला हुआ है। जब हम खुद को उन विचारों से निकाल लेते हैं, तो वो विचार अपने आप छूमंतर हो जाते हैं। असल में हमने उन विचारों को पकड़ा हुआ है, उन विचारों ने हमें नहीं पकड़ा हुआ। जो ये बेवजह बेतुके विचार हमारे दिमाग में आते हैं, हमने इनको पकड़ा हुआ है। जिस तरह आपने पानी में जब आपने स्प्लैश किया था, तो पानी हिलने लगा था, आपने सब कुछ करना बंद कर दिया, पानी शांत हो गया। उसी तरह आप खुद को निकाल लेंगे तो विचार आपके गायब हो जाएंगे, और आप अपनी जब इनर नॉइस खत्म हो जाएगा, तो आप अपनी इनर वॉइस को बहुत अच्छे से सुन पाएंगे। जब किसी को गुस्सा आता है तो हम क्या कहते हैं? सिर्फ 2 मिनट के लिए रुक जाइए। उस 2 मिनट में ऐसा क्या हो जाएगा? लेट मी टेल यू। उस 2 मिनट के अंदर जो ये इनर नॉइस है, जो विचारों की उथल पुथल मची हुई है, ये शांत हो जाएगी और आप अपनी इनर वॉइस को सुन पाएंगे। 2 मिनट के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर से आवाज आएगी, गुस्सा करना सेहत के लिए और आपके लिए ठीक नहीं है। सिर्फ 2 मिनट के लिए रुक जाइए। जब आप अपने जीवन का कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, कहते हैं आप जरा सोच समझ के, कुछ रुक के, कुछ सोच के डिसीजन लीजिए, क्योंकि जब आप 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रुक जाते हैं, तो इनर नॉइस खत्म हो जाता है और इनर वॉइस को आप फील कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं। हर चीज जीवन में प्रैक्टिस से आती है। इस माइंडफुलनेस की भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप 1 मिनट से शुरू कीजिए, सिर्फ 1 मिनट से। आप सुबह 1 मिनट से शुरू कीजिए, दिन रात मिला के 24 घंटे होते हैं। ये प्रैक्टिस माइंडफुलनेस की आपको दिन में 10 से 20 बार करनी है। आप अपनी इनर वॉइस को बहुत अच्छे से सुन पाएंगे। 1 मिनट से शुरू कीजिए। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, 1 मिनट के लिए आंखें बिल्कुल बंद कर लीजिए, शांत हो जाइए, और 1 मिनट के बाद आप अपनी आंखें खोल लीजिए। सिर्फ 1 मिनट के बाद। आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, होम मेकर हैं, कंट्री मेकर हैं, इवन आप स्टूडेंट हैं, ये प्रैक्टिस दिन में 10 से 20 बार कीजिए। असल में होता ये है कि हम खुद को कई चीजों के साथ कनेक्ट रखते हैं, हम कई चीजें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, चारों तरफ हमारा दिमाग एक्टिवली चलता रहता है। सब कुछ तो हम करते हैं, लेकिन इस इनर वॉइस को हम नहीं सुनते। बाहर की चीज तो सुनते हैं, इस इनर वॉइस को नहीं सुनते।
जब आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो वापस आप अपनी तरफ लौट जाते हैं, आप खुद को सुनने लगते हैं, आपको अपने अंदर की आवाज धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। शुरू में आपको शायद थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप अपनी इनर वॉइस को बहुत अच्छे से सुन पाएंगे। एक बात बताऊं आपको, इस दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आपके अंदर है, आपकी इनर वॉइस, जो आपको हर समय पॉजिटिवली मोटिवेट करती है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, खुश रहने के लिए आपकी इनर वॉइस। तो आपको अपनी इनर वॉइस से दूर नहीं भागना, आपको अपनी इनर वॉइस को ही सुनना है। इनर नॉइस को खत्म कर दीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए 10 से 20 मिनट आंखें बंद करके, एक एक मिनट करके, एक मिनट, दो मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, एंड ट्रस्ट मी, एक वक्त तो ऐसा आ जाएगा आप पूरी तरह खुद को सुन पाएंगे और खुद की आवाज को फील कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊं। अगर आप मानसिक तनाव या स्ट्रेस में रहते हैं तो इस छोटी सी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से आप अपने जीवन को खुद परिवर्तित होते देखेंगे, और यही मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप खुश रहें, जीवन का आनंद लें। हमारा जीवन बहुत खूबसूरत है, इसको व्यर्थ ना जाने दें। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, हर संडे मैं यूट्यूब लाइव आता हूं, या अगर आपको इस मैटर को लेके, इस टॉपिक को लेके कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।